परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। मैंने कई बार आम सभाओं में कांग्रेस से सवाल किया मगर मुझे जवाब नहीं मिला कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी 10 साल तक 2004 से 14, तब आपने राजस्थान के लिए क्या किया। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि ग्रांट इन एड और डिवेल्यूशन फंड का अगर टोटल करें तो 2004 से 14 तक 2,00,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया था, मतलब 10 साल में 2,00,000 करोड़ रुपया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2,00,000 करोड़ के सामने 9 साल में 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया है, लगभग 4.5 गुना। राजस्थान सरकार ने 5 साल में सबसे खराब स्थिति अगर किसकी रही है तो महिलाओं की रही है, दलितों की रही है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के ढेर सारे मामले राजस्थान में अब देखने को मिलते हैं और गहलोत सरकार में तुष्टिकरण की राजनीति चरम सीमा पर। ये 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नोहर, मेवात, मालपुरा, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। दंगाइयों पर कोई कठोर कार्यवाही राजस्थान सरकार की ओर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुई है। और उदयपुर में कन्हैयालाल तेली, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, जयपुर में मनु वैष्णव, बांसवाड़े में गौरांग भट्ट, ढेर सारे नृशंस हत्या के केस भी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कोई प्रकार की कानूनी कठोर कानूनी कार्यवाही के बगैर लटके हुए नजर आते हैं। कांग्रेस की भ्रष्टाचार लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहाँ तक कि सचिवालय में 2,35,00,000 और 1 किलो सोना, पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2,35,00,000 कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं बदली थी, आराम से वो जवाब दे रहे थे। मैंने भ्रष्टाचार के प्रति इतना ठंडा रुख किसी का नहीं देखा है। कोई महंत को अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है मगर आज भी वो क्षेत्र के अंदर अवैध खनन खुले आम चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।